सो गाइस, आज फिर से एक न्यू स्पीकर के बारे में बात करूंगा। जैसे आप लोग कल के वीडियो में देख चुके हैं, जो कि प्योडियो का न्यू स्पीकर, जो कि न्यूडियम का मैंने बताया था कल के वीडियो में। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और इस वीडियो में आप सभी बताने वाला हूँ जो कि प्योडियो का ये 15 इंच का स्पीकर होने वाला है, जो कि 2021 में लॉन्च हो गया है। और ये ज़्यादा दिन का मतलब नहीं है, ये हाल ही में मतलब आया है। तो आप लोग को इस वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो में आपको सारा कुछ इस वीडियो में डिटेल वीटेल आप सब बताने वाला हूँ। और जैसे कि ये स्पीकर कितने वोल्टेज का है, मैं सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर लोग पहली बार चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो लाइक कर ही दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना बोले उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहला मिले। और मैं इसी तरह हर रोज न्यू न्यू अपडेट के साथ आपको बताऊंगा। और बहुत सारा न्यू स्पीकर भी आ गया है, और एम्पलीफायर भी आ गया है, और बेस भी आ गया है। पीडियो उधर जितना भी ब्रांड का है सभी का न्यू न्यू थोड़ा बहुत लॉन्च किया है। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहे। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करूँ, देखिए स्पीकर आपको कुछ इस टाइप का दिखने मिल जाता है। इसका लुक मतलब बहुत अच्छा दिखने मिल जाता है। और प्योडियो इस बार आपका अलग मतलब टाइप का मतलब स्पीकर लेकर आया, जो कि आप सभी को दिखने मिल जाता है। इसका फ्रेम लुक मतलब अलग ही आपको दिखने मिलता है। मैं उधर स्पीकर के मामले में बात करूंगा तो इसमें आपको अलग ही सब कुछ दिखने मिल जाता है। और बात करूंगा इसका, देखिए ऊपर साइड, तो ऊपर साइड आपको बहुत अच्छा चिकनावट मतलब दिखने मिल जाता है, मतलब साउंड क्वालिटी बहुत अच्छा दिखने मिल जाता है। साथ में देखिए ऊपर में इसमें आपको लोगो मतलब अच्छा खासा आपको दिखने मिल जाता है न्यू लुक के साथ। इसमें आपको प्योडियो का ब्रांड आपको दिखने मिल जाता है। इसमें आपको स्पीकर की मॉडल नंबर की बात करूंगा तो मॉडल नंबर आपको थोड़ा सा अजीब दिखने मिल सकता है, क्योंकि अलग मतलब जितना भी स्पीकर है उससे अलग ही किया है इस बार प्योडियो ने। तो इसका मॉडल नंबर आपको बताता हूँ, जैसे आप सभी को दिखने मिल जाता है BT15800A, जो कि इस तरह आपको मॉडल नंबर दिखने मिल जाता है। और साथ ही स्पीकर में भी आपको इस तरह दिखने मिल जाता है। और साथ में आपको देखे आपका 1000 वोल्टेज का भी आपको दिखने मिल जाता है, लेकिन ये आपका 1000 वोल्टेज का नहीं है। ये आपका देखे पीक पावर आपका 1000 वोल्टेज दिखने मिल जाता है, मतलब इतना तक आपका झेल सकता है ये इतना पावर। और बात करूंगा जो कि इसका आरएमएस पावर क्या है, तो फिलहाल आपको बता दूं, देखिए पीडियो का जितना भी स्पीकर है सभी एस पावर में आता है, और ये भी आपका एस पावर में आता है। तो कितने वोल्टेज का आता है, तो देखिए ये स्पीकर आपका 400 वोल्टेज एस पावर में आता है। जी हाँ, मॉडल नंबर तो दिखने से मतलब अलग ही लग रहा है, लेकिन इसका एस पावर आपका 400 ही दिखने मिलेगा। और जैसे आपको 1000 वोल्टेज का पीक पावर स्पीकर में दिखने मिलता है, अगर आप लोग इस तरह सोचेंगे कि 1000 वोल्टेज की स्पीकर, तो आप लोग गलत सोच रहे हैं। ये आपका देखिए लिखा भी है जो कि पीक पावर 1000 वोल्टेज, तो आप लोग समझ सकते हैं पीक पावर किसे कहते हैं। और चले साथ ही जान लेते हैं इस स्पीकर का अगर आरएमएस पावर कन्वर्ट करें तो कितना वोल्टेज आएगा, चलिए वो भी जानते हैं। तो देखिए इसमें आपको 400 वोल्टेज एस पावर में दिखने मिलता है। अगर इसे आरएमएस पावर कन्वर्ट करेंगे तो करीब आपको 300 वोल्टेज के करीब आसपास आपको दिखने मिलेगा। और 300 वोल्टेज आरएमएस पावर पकड़ के चलना है, और इतने आपको करीब देगा आरएमएस पावर, तो यही तो आपको पता चलेगा जो कि 300 वोल्टेज आरएमएस पावर प्रोवाइड करेगा। आगे चलिए बात करूंगा जो कि इसका कितने ऊपर काम करेगा स्पीकर, तो स्पीकर आपका 8 ओम का है। और बात रहा जो कि इसका सेंसिटिविटी, तो सेंसिटिविटी आपका 96 dB दिखने मिल जाता है। फ्रीक्वेंसी इसमें बहुत अच्छा खासा दिया है, जो कि इसमें आपको 45 हर्ट्ज़ से लेकर 4000 हर्ट्ज़ तक दिखने मिल जाता है। काफ़ी इसमें आपको मिड बेस आपको अच्छा सुनने को मिल जाएगा इस स्पीकर में। और बात रहा जो कि इसका चेचिस टाइप, तो किस टाइप का है, तो ये आपको डाई कास्ट एल्यूमिनियम में दिखने मिल जाता है। इसका मैग्नेट टाइप की बात करूँ तो आपको फ्रंट में ही दिखने मिलेगा। और ये आपका बात करूँगा जो कि इसका नेटवेट, तो नेटवेट आपका देखे क्रॉस वेट आपका 8.9 kg वेट दिखने मिलेगा। तो फिलहाल आपको इतना स्पेशन आपको दिखने मिल गया, और आप सभी को थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि इस तरह आपको स्पेशन दिखने को मिल रहा है। और इस स्पीकर का बस इतना स्पेशन आपको मिलेगा। और आगे चले बात करूंगा अगर इस स्पीकर को चलाएंगे तो हम लोग कौन से एम्पलीफायर में चलाएंगे, तो वो भी आप सभी को थोड़ा बहुत बताता हूँ। देखिए अगर आप लोग 2 स्पीकर चला रहे हैं तो अगर इसमें आपको 600 वोल्टेज या 500 वोल्टेज के एम्पलीफायर में भी रन करा सकते हैं, या फिर आप लोग 4 स्पीकर ले रहे हैं तो आप मोनो या आप डुअल चैनल में बात करूंगा, तो पहले मोनो एम्पलीफायर में आपको बताता हूँ कितना वोल्टेज का लेना चाहिए। तो देखिए इसमें अगर हम 300 प्लस 300 मतलब 1200 वोल्टेज आ जाता है, तो ये करीब आपको 1000 वोल्टेज में चल सकता है, या फिर आउजा का 800 वोल्टेज में भी आप मतलब इन 4 स्पीकर को फुल्ली चला सकते हैं, इसमें कोई वाली दिक्कत नहीं है। या 700 वोल्टेज के एम्पलीफायर में आप लोग भी चला सकते हैं, वो भी चल सकता है। तो आप लोग इस तरह एम्पलीफायर ले लीजिएगा। तो इसके बारे में और कुछ नहीं बताऊंगा, सिंपल ये मैं इस स्पीकर के बारे में आपको बताना था जो कि ये स्पीकर आपका न्यू आया है। और साथ ही बात करूंगा प्राइस, तो देखिए प्राइस मतलब कंपनी वालों ने कंफर्म नहीं किया कि प्राइस कितना रहा मतलब है इस स्पीकर का, तो आपको एक अंदाज से बता दूं इसका प्राइस कितना हो सकता है। करीब आपको 6 से लेकर मतलब 7 तक भी जा सकता है, मतलब न्यू स्पीकर थोड़ा सा प्राइस आपको ज्यादा ही सुनने को मिल सकता है, तो इतने अंडर आपको प्राइस दिखने मिल जाता है। और ये आपका मतलब फिक्स प्राइस नहीं है कि इतना आपको पड़ेगा, हो सकता है कम भी हो सकता है या भी ज़्यादा, मतलब आज मतलब हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। तो प्राइस के मामले में आपको यही बताना चाहूंगा। और इस वीडियो में यही था, और वीडियो पसंद लाइक जरूर कर दीजिएगा, हो सकता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो यहीं तक।